वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान सी और बहुत ही मज़ेदार चॉकलेटी कुकीज़, जो आप बड़ों को भी बना के दे सकते हैं, उनको भी बहुत पसंद आएंगे और बच्चों की तो वैसे ही ये बहुत ज़्यादा फेवरेट होती हैं। तो चलें हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 1/3 कप मैदा लिया है, 1/3 कप कोको पाउडर लिया है, 1/2 कप मेल्टेड बटर लिया है, 1/4 टीस्पून नमक लिया है, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है और 1/4 टीस्पून ही बेकिंग सोडा लिया है और 1/2 कप पाउडर शुगर ली है। अब हम कोको पाउडर को मैदे में मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर नमक, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल देंगे और उसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से। अब हम मेल्टेड बटर को एक बड़े बाउल में डाल लेंगे। अब उसे हम बीट करेंगे इलेक्ट्रिक मीटर से लो स्पीड पे, आप हैंड विस्क भी यूज कर सकते हैं। और अब हम इसे तब तक बीट करेंगे जब तक ये फ्लफी ना हो जाए। बटर फ्लफी हो चुका है। अब हम इसके अंदर चीनी डालेंगे, पाउडर शुगर, और हमने सारी एक साथ नहीं डालनी, आहिस्ता आहिस्ता करके हम डालेंगे और उसको बीट कर लेंगे। पहले हम लो स्पीड पे बीट करेंगे, फिर बाद में हम इसको हाई स्पीड पे बीट करेंगे। देखिए हमारा ये बैटर रेडी है, बटर का। अब हम इस बैटर के अंदर वो कोको पाउडर वाला बैटर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। हमने इसे तब तक मिक्स करना है जब तक इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब आप कोई भी मेजरिंग स्पून ले लें, मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून लिया है। आप कोई घर में जिसे हम आम चावल खाते हैं आप वो भी चम्मच ले सकते हैं। और इससे इस बैटर को फासले फासले से डालना है हमने एक बेकिंग ट्रे में, जिसके अंदर मैंने बटर पेपर बिछा लिया है और इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इस तरह से हम सारा बैटर डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने डाल लिया है। फिर हम इसको टैप करेंगे ताकि इसके अंदर जितने भी एयर बबल सारे इसके अंदर से निकल जाएं। अब हम इसे ओवन में हीट बेक कर लेंगे, प्री हीटेड ओवन में, जो कि पहले मैंने इसको प्री हीट किया था 10 मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे। और अब हमने इसे 20 मिनट्स पे बेक करना है 180 डिग्री सेल्सियस पे। ये देखें हमारे बहुत ही मजेदार से कुकीज रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे और अब आप इसे डेकोरेट कर लें जैसे भी आप चाहते हैं। मैं यहाँ पे हर्शीज का चॉकलेट सिरप लिया है, मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ।
ये देखिए हमारे बहुत ही मजेदार से कुकीज, चॉकलेटी कुकीज रेडी हो चुके हैं। आप इन्हें शाम में खाएं, चाय के साथ लें, आप इसे ठंडे दूध के साथ लें, उसके साथ भी ये बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। इनका टेस्ट बहुत ही मजे का लगता है ठंडे दूध के साथ, या आप इसे चाय के साथ भी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे दुआओं में